नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और काफ़ी लंबा समय हो गया है रीपर को लाए हुए और बरसात ने ज़्यादा परेशान किया। खेतों में 4-5 दिन तक लगातार बारिश हुई तो धान के खेतों में पानी बैठ गया और नीचे की जगह हो गई बहुत ज़्यादा गीली, तो धान तो आ गई थी लेकिन उनको काटना संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि गीला था। अब लेकिन कुछ समय निकलने के बाद कुछ जगहों पर सूख गई है, तो आज अपन लेके जा रहे हैं अपने रीपर को जॉन डीयर ट्रैक्टर पर लगाए जो कटाई के लिए, ठीक है, और धान काटेंगे इससे और देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आती है एक्सट्रीम लेवल पे। अच्छे से अच्छा सभी तरह का अपन चला के देखेंगे, तो वीडियो में बने रहना, बहुत मज़ा आएगा और जितना होगा उतना आपको नॉलेज देने का प्रयत्न करूँगा मैं। वहाँ पे किसान भाई भी हैं और उनसे भी हम बात करेंगे, भाई ठीक ठाक हैं, संतुष्ट हैं, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अभी तो कोई नहीं फंसा है तो पहले ट्रैक्टर लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले इससे एक सोयाबीन का खेत जिसमें सोयाबीन तो बिल्कुल नहीं था, कचरा ज़्यादा था, वो काटा था। अभी भी आप देखोगे ना तो इसमें सोयाबीन की फलियां आपको दिख जाएंगी। तो अब इसको चलाएंगे अपन फाइनली धान में। तो ये बैग है जिसमें हमने ज़रूरी टूल्स रख लिए हैं, इनकी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि लास्ट टाइम जब गए थे तो आवश्यकता हो गई थी, वहाँ से लीकेज होने लगा था। और किसी भी तरह का ऑयल लीकेज, क्योंकि हाइड्रोलिक से चलने वाली मशीन है इसलिए आपको पाने पूरे होने चाहिए। भाई कब क्या चीज़ हो जाए, मशीनरी में तो कभी भी हो सकता है, इसलिए टूल्स जो हैं सारे के सारे रख लिए हैं और बस अब निकलते हैं। डीजल चेक कर लिया है, डीजल ऑलरेडी काफ़ी है। अभी हम आ गए हैं उस गांव पे जहां पे चलाना है, थोड़ी दूर और रह गया है और किसान हमारा इंतजार कर रहे हैं और चला के देखेंगे आज क्या स्थिति बनती है, कितना मतलब कारगर रहता है ये धान की कटाई में। मैं पहली बार चलाऊंगा, बाकी और लोग चला चुके हैं, मतलब इस मशीन को
परीक्षण जरूर कई बार किया जा चुका है, तो वहाँ पे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है, अभी अपने को करके देखना है। ऐसा ही कटेगा, ऐसा ही कटेगा। हाँ हाँ सही आ रहा है। अपनी मशीन भाई अब फर्स्ट टाइम चला रहे हैं अपन इसमें धान में, और धान काफ़ी अच्छी है, और ये गड़े नीचे से गीले भी नहीं है, सूखे हैं। पूरा नीचे कर लेना। हाँ भाई साहब ये खेत की कोनिया है जो बिल्कुल अलग सड़क ऐसी घुसी पड़ी है, अगर ट्रैक्टर को मोड़ने में दिक्कत आ रही है, एक बार थोड़ा रास्ता बन जाए आराम से, अगर एक दो चक्कर लग जाएंगे ना तो। यहाँ पे एक छोटा रीपर भी लेके आए थे ये, उससे काटने का प्रयास कर रहा था तो उससे सही कट नहीं हुई है, इसलिए इन्होंने अपने को बुलाया। तो ये सामने चल रहा है अपना रीपर और एक फेरा लगा है, थोड़ी जगह बन जाएगी ना तो मोड़ा माड़ी में दिक्कत आती है। कंपनी के निर्देश भी स्पष्ट हैं कि मोड़ते वक्त कटाई ना करें, तो बाकी एक राउंड पूरा होने तो थोड़ी जगह बन जाएगी, ट्रैक्टर को मोड़ने को जगह मिल जाएगी, फिर आसानी से वो बहुत ही सफाई से काटेगा। अभी वहाँ से घूम के आएगा, एक राउंड हो जाएगा, तब तक अपन इधर ही वेट कर रहे हैं। एक बार मतलब रोटेशन बन जाती है ना तो फिर सही हो जाता है, शुरू शुरू में आती दिक्कत। अब देखो एक बड़ी मशीन है तो उसको मोड़ने में थोड़ा सा चाहिए, तो वो चीज़ तो होती है। तो गाइस अभी क्या किया हमने, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है, अब हार्वेस्टर की तरफ चारों तरफ चारों मिनट चलाने की बजाय मैंने बोल दिया भाई ये लाइन पूरी काटो फिर रिवर्स लेके जाओ, फिर ये लाइन पूरी काटो फिर रिवर्स लेके जाओ, ऐसा करते। अभी देखो आप कितना सुंदर काट रहे हो।
और अरुण ऐसे मोड़ते वक्त मत काटो, इसमें क्या होता है वो नीचे तार का कॉन्सेप्ट रहता है, अपन मोड़ते हैं ना तो वो तार क्रॉस हो जाता है तो उसके नीचे का पेड़ छूट जाता है, समझ रहे हो, वो नीचे सरिये लगे ना तो सीधा सीधा ही चलाओ, बिल्कुल मोड़ते वक्त सीधा कर लो ट्रैक्टर, मोड़ोगे ना तो वो पीछे वो पेड़ छूट गए तो वो मोड़ने की वजह से तुम्हारा ट्रैक्टर तिरछा था इसलिए छूट गया, बिल्कुल सीधा सीधा चलाओ, बहुत सफाई से कटेगा, देखो अब यहाँ से वहाँ तक कितनी सफाई है, सीधा ही काटना, मोड़ना मत बिल्कुल भी है, एक पेड़ नहीं छूटेगा, ठीक है लेके जाओ सीध में लेके जाना, मोड़ना मत बिल्कुल। तो गाइस अभी देखो ये वाली जो लाइन है कितनी क्लीन है, बिल्कुल भी नहीं छूटा है क्योंकि एकदम सीधा सीधा आया है। तो भाई मशीन से काम करने का भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है और वही फॉलो करना पड़ेगा आपको, अन्यथा परेशान होंगे। तो अभी तो अपन फिर से मशीन को पीछे ले जा रहे हैं, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने टेढ़ा किया था, ये मोड़ दिया था, तो देखो ये मोड़ने की वजह से इसमें जो तार लगे रहते हैं ना सरिया, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये नीचे की तरफ आपको दिख रहे हैं ना ये वाले, इसके नीचे पेड़ आ जाता है ना तो ये आड़े हो जाते हैं फिर नहीं कटते। तो अभी क्या कर रहे हैं, दो आदमी पीछे से हटा देंगे और बिल्कुल ऐसे सीधी सीध सीध बनाएंगे। तो ये फाइनली उसी कॉन्सेप्ट पे देखो चला रहे हैं और बहुत सफाई आ रही है और मेन चीज़ बहुत ही आराम से रख रहा है फसल को और झड़ा झड़ी नाम की कोई चीज़ नहीं हो रही है, इतना क्लीन आ रहा है, बिल्कुल नीचे से काट रहा है बिल्कुल जड़े से, जैसे हाथ से मजदूर काटते हैं ना, और एक सीध में अगर आप रखते जाओगे तो इतना सा भी नुकसान नहीं होगा, और फसल की हाइट देखो आप, और अच्छी तरह से पक भी गई है ये, तो पी भी बन है ये दूसरा बासमती बन, अभी सही कर रहा है ना भैया काम, एक बार फिर से एक दो तीसरी लाइन ये काटेगा। सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट फिलहाल में छोटे छोटे गड़ों के लिए है ही है, जैसे बड़े बड़े खेत होना तो कैसे काट लो फिर। देखो भाई सफाई देखो आप, तो चेतन जी हाँ भाई आप बताएं आप अभी संतुष्ट हैं आप, कटाई तो बढ़िया हो रही है ना, अभी सफाई से काट रहा है, बस एक बार क्या है मशीन नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने में मतलब अपने को, अपन ने कटाई कभी करी नहीं है ना, सही बात है, वो अपने को ये दिमाग लगाना पड़ेगा किस तरह से अपना, बस यही है इस काल क्या ट्रैक्टर और उसको मिला के थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई ज्यादा हो गई, इसके बाद में क्या करेंगे जैसे कोई लंबा गड़ा है तो इधर से जाएगा, हाँ दो तरफ से काटेंगे अपन, ऐसा आ जाएगा समझ रहे, जैसे ये ऐसा गया इस साइड से भी वैसी जगह ऐसी जहाँ से हो जाएगी तो ऐसा चला जाएगा और ऐसा आ जाएगा, समझ रहे। अच्छा तो मोड़ने के लिए अपने को ज्यादा नहीं हटानी पड़ेगी, साइड जगह बना के समझ गए आप, हटा हटी नहीं करनी पड़ेगी, मतलब एक अपन ने इधर से एक फेरे की काट दी, रास्ता बन गई, ठीक है ना, अब क्या किया दो बार इधर से काट, मतलब इधर से काटेंगे आएगा और निकल जाएगा फिर ऐसा काट लेगा, समझ गए आप, ऐसा उसमें भी दिक्कत नहीं है, इसमें भी नहीं है, थोड़ा सा जो है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, लगेगा दो पाँच दस मिनट का अंतर है, उससे क्या फर्क पड़ता है, बस काम जो है सफाई से हो जाए, नुकसान ना हो, खेत के गड़े के ऊपर है जैसा गड़ा हाँ। वैसा काम करता है, सही बात, तो अब ये थोड़ा तो टमाटर जैसा है, टमाटर जैसा गड़ा है, दूसरा छोटा भी है, हाँ इधर से घूम गया फिर वहाँ पे कोनिया फंस गई फिर वहाँ पे गोल हो गया, चौक चौड़े में फिर भी मैनेज हो जाता है आसानी से, बाकी मशीन के काम से आप संतुष्ट? नहीं नहीं मशीन एक नंबर है, मशीन में कोई दिक्कत। हाँ तो अभी आप देखो भाई कितनी क्लीनिंग जो है आ रही है और एकदम लाइन से, अच्छा मशीन जो है आराम से भी रख रही है तो झड़ने की दिक्कत भी नहीं आएगी, हाँ एकदम से नहीं फेंक रही है धान को, बहुत आराम से रख रही है।
तो भाई साहब यहाँ से देखो आप कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही सफाई से अभी ये काट रहा है। और इसके बाद पीछे के भी गड़े हैं और ये सामने के भी पूरे खेत हैं भाई साहब के जो कटेंगे। और ये दो बार की राउंड को साइड में कर दे रहे हैं तो मोड़ने के लिए अपने को काफ़ी जगह मिल जाएगी। तो भाई साहब इतना ये वाला गड़ा कट गया है और अब मैं चला के देखता हूँ। तो अपन डर ये डला हुआ है ना, एक्सलेटर कितना तो भाई साहब ये थी रीपर की व्यवस्था। एक मामूली सा नट था वो लूज़ हो गया था तो हमने टाइट कर दिया और वापस से चालू हो गया है और पीछे भी कटाई चल रही है। तो शाम भी हो गई है, सूरज डूबने वाला है और इसके बस थोड़ी देर बाद ये वाला खेत काट के और बंद करवा देंगे, फिर कल सुबह जल्दी करवाएंगे। आज 12:30 के आसपास चालू करा था। इतनी जगह जो देख रहे हो इतनी कट पाई और क्या है, नई मशीन है, थोड़ी सी व्यवस्था मिलाने में समय लग गया। और धान में हम पहली बार चला रहे हैं और रीपर भी पहली बार चला रहे हैं, पहले कभी चला एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसी कुछ स्थिति बनती है। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। पसंद आई हो लाइक कर दो, नए हो सब्सक्राइब कर दो। उपयोगी तो बहुत है मशीन, उपयोग करना आना चाहिए। ये देखो बिल्कुल सीधे सीधे ये अपन ने रीपर से काटे हैं और ये जो दिख रहे हैं ये एक छोटा रीपर लेके आए थे हाथ वाला, उससे काटे हैं। वो वाला गड़ा भी काटा है और अब ये कट रहा है। अपनी गाड़ी चलते हैं अपनी।